इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप चले आ जाओगे जीरोधा का कुछ इस प्रकार से वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको टाइप करना होगा, जिस भी मोबाइल नंबर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से टाइप कर लिया हूँ, उसके बाद कंटिन्यू बटन में जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर इसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को सबमिट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर से आपको और एक नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम और ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ से सारा कुछ यहाँ से टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका ईमेल पर OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर सबमिट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका पैन नंबर आपको टाइप करना है, और पैन नंबर पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ एड है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ से टाइप करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। जैसे सबमिट हो जाएगा, अकाउंट ओपनिंग फीस आपको 200 रुपया पे करना होगा। इसके लिए आप UPI या तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना UPI टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो चेकबॉक्स दिया गया यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे पे एंड कंटिन्यू बटन पर इसे क्लिक कर देता हूँ। जो भी यहाँ पर आपने UPI सिलेक्ट किए थे उस एप्लीकेशन से आपको पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे उस एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट होकर चले जाओगे, ठीक है। जैसे गाइस देखो यहाँ पर मैं फ़ोनपे की तरफ से यहाँ से किया था, तो फ़ोनपे की तरफ से पॉपअप मैसेज आ चुका है। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ देखिए कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर पे का ऑप्शन है, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर 200 रुपया पे करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं फटाफट यहाँ से पे करने पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा UPI ID का जो भी मेरा पिन है, तो मैं यहाँ से दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, और फिर से आपको एक बार बैक करना है। तो जैसे आप यहाँ से बैक करोगे तो देखिए तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से अभी हो चुका है पेमेंट। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार बैक करूँगा तो फिर से मैं चला जाऊँगा इसी पेज पर, जीरोधा का पेज पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग थोड़ा ले रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद गाइस आपके सामने आधार KYC करने के बोला जाएगा डिजी लॉकर की तरफ से। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ डिजी लॉकर को। उसके बाद आपके सामने डिजी लॉकर के लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर जो कैप्चर है वो आपको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ से अपना फटाफट कर लिया सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइज यहाँ पर OTP भेजा जाएगा, जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं सबमिट करके कंटिन्यू बटन पर इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का 6-डिजिट PIN आपको टाइप करना है, सिक्योरिटी पिन। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अलाउ करना है ताकि ये एक्सेस कर पाए डिजी लॉकर को। तो मैं इसे अलाउ कर दिया हूँ। उसके बाद गाइस आपको फिर से इसी प्रोसेस को और एक बार करना है। देखिए यहाँ पर सक्सेस लिखा आ चुका है, तो फिर से आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर से आपको वही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर और आपको कैप्चर को फिल करना है, देन आपको नेक्स्ट बटन पर एक बार आपको क्लिक करना है। तो फिर से आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP का आपको सबमिट करना है, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे गाइस यहाँ पर जो डिजी लॉकर का 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पर देने के लिए बोल रहा है। अगर आपका सिक्योरिटी पिन याद नहीं है डिजी लॉकर में क्या था, तो गाइस इसके लिए वीडियो है प्रॉपर, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना किस प्रकार से डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन आपको याद करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से टाइप कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद कुछ इस प्रकार से अलाउ करना है। फिर से जैसे गाइस सारा कुछ प्रोसेस दोबारा करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे ये पोपा तरीके से सक्सेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप करोगे तो आपका फादर नेम और आपका फादर नेम लास्ट नेम जो भी है यानी कि आपको टाइप करना है, यानी कि फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद गाइस आपका कुछ बेसिक डिटेल है वो भी आपको यहाँ से टाइप करना है। तो देखिए मैं सारा कुछ यहाँ से फिल कर लिया। उसके बाद बैकग्राउंड है गाइस आपको यहाँ पर आपको जो कुछ भी आप करना है कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप कर लेना है क्वार्टरली, और यहाँ पर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको पूछा जाता था, गाइस आप हिसाब से अपना खुद से हिसाब से कर लेना। तो यहाँ से मैं न्यू कर लेता हूँ, नहीं तो 1 से 5 साल यहाँ से कर लेता हूँ। तो उसके बाद गाइस ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछता है कि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट पर्सन है कि नहीं, तो गाइस मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, आप अपना हिसाब से यहाँ से कर लेना। इसके बाद गाइस जैसे आप इसे सबमिट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक लिंक करने के लिए बोला जाएगा। इसके लिए बैंक का जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पर देना होगा, IFSC कोड, MICR कोड, अकाउंट नंबर, सारा कुछ आपको देना होगा। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट इसे सारा कुछ फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद गाइस मैं आगे का प्रोसेस यहाँ से आपको बता दूँ क्या आपको करना होगा, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर मैं सारा कुछ यहाँ से ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारा कुछ एक बार चेक कर लेना, और नीचे आपको 4 बार आपको बॉक्स में टिक लगा देना होगा, ठीक है। तो मैं सारा कुछ यहाँ से कर लेता हूँ, इसके एक बार इस तरीके से आपको 4 यहाँ पर बॉक्स दिखने को मिलेगा। आपको ध्यानपूर्वक आप यहाँ से चेक कर लेना सारा बॉक्स के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ यहाँ से 1, 3 और यहाँ से और एक है यहाँ से मैं कर लेता 4। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप एक बार चेक कर लेना सब कुछ सारा कुछ आपने किया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा
यहाँ पर आपको कैमरा को अलाउ करना है क्योंकि यहाँ पर आपका वेबकैम वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए गाइज देखो यहाँ पर जो फोटो शो कर रहा है लड़की ने एक हाथ में पेपर लेके एक नंबर शो करा, तो गाइज आपको कुछ इस प्रकार से इसी नंबर के एक पेपर में लिखना है, ब्लैंक पेपर में आपको कुछ इस प्रकार से आपको फोटो खींच लेना है। गाइज जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इसी प्रकार से फोटो खींच लिया हूँ, आपको कुछ इस प्रकार से एक नंबर लिखना है, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको फोटो खींच लेना है। गाइज जैसे आप वहाँ पर अलाउ करोगे तो कैमरा का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ से कर लेना है। जैसे यहाँ से अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको तीन चीज़ें आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं तो आप यहां से कोई भी चूज कर लेना जो भी आपके पास है, तो मैं यहां से बैंक स्टेटमेंट को ले लिया हूं। उसके बाद सिग्नेचर और पैन कार्ड को आपको यहां से अप्लाई करना है, ठीक है, फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। तो मैं यहां से सारा कुछ कर लिया, जैसे कि यहां पर बैंक स्टेटमेंट को यहां से अपलोड किया हूं, सिग्नेचर को फोटो खींच के अपलोड किया, उसके बाद पैन को अपलोड कर दिया, उसके बाद यहां से मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पर नॉमिनी सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहां से स्किप करता हूं क्योंकि ये आप बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ई साइन यहां से मांग रहा, तो ई साइन के लिए सबसे पहले आपको यहां पर ई साइन पर एक बार क्लिक करना है। तो ये जो पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा, यहाँ पर टिक लगा देना होगा, तीन जो बॉक्स है गाइस यहाँ पर मैं टिक लगा दूँ, उसके बाद जैसे मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल आपको चेक करना है यहाँ पर, इसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ से आपको टाइप करना है, जो भी आपका आधार नंबर है, सेंड ओटीपी पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपका नंबर पर ओटीपी आएगा गाइस, वो ओटीपी का आपको सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ यहाँ से कर लेता हूँ, ओटीपी यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ, ओटीपी यहाँ पर आ भी चुका है। ओटीपी सबमिट करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। गाइस सारा कुछ आप बहुत ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं ओटीपी को सबमिट कर लिया, ओटीपी वेरीफाई भी हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको गाइस फिर से आपको वही करना होगा, एक बार आपको पूरा तरीका से आपको देख लेना कि आपने जो कुछ भी यहाँ पर दिए हैं डॉक्यूमेंट तो आपके यहाँ पर फॉर्म के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से चाहे तो एक बार पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना ही जरूरी है गाइस, आप देख लेना सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो आप एक बार देख लेना। उसके बाद आपको सीधे आपको नीचे जाना है और आपको साइन इन नाउ पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सारा कुछ देख लिया हूँ, साइन इन नाउ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर पूछा जाएगा और एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको टाइप करना है, देन आपको गाइज फिर से वही प्रोसेस करना है, यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी का आपको सबमिट करना है। तो सारा कुछ इस तरीके से करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर लेना, जिस तरीके से आपने पहले एक बार किए थे एकदम सेम टू सेम वैसा ही करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से बोला जाएगा, साइन इन अभी सक्सेसफुली अभी हो चुका है और गाइज और लास्ट स्टेप बाकी है गाइज, तभी आपका अकाउंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखना है यहाँ पर फिनिश बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपका अकाउंट यहाँ से प्रॉपर तरीका से यहाँ से ओपन हो चुका है। इतना कुछ करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है 72 आवर तक, उसके बाद आपका सारा कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा और आपने जो मेल दिए थे उस मेल में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड रिसेट करने के लिए नया पासवर्ड सेट करने के लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेना। इतना कुछ करने के बाद गाइस आपको प्ले स्टोर में जाना है और जीरोधा का एप्लीकेशन को अपना फ़ोन में इंस्टॉल करना है। उसके बाद यूज़र आईडी तो आपको मिल जाएगा ईमेल में, आपने जो पासवर्ड रिसेट करके नया पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड डालना है और आप बिंदास आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो guys।